हेलो दोस्तों, आपके चैनल अकबर बाइक डॉक्टर में हमारा फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्प्लेंडर प्रो या स्प्लेंडर प्लस या एच एफ डिलक्स की टाइमिंग चेन कैसे डालें, टाइमिंग चेन की फुल फिटिंग बताएंगे आपको। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए आपको बताते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हम अपनी वीडियो नई जब भी डालें सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले लगाते हैं हम टाइमिंग चेन का मुलायम स्प्रिंग और इसको हम 14 नंबर की की से या पानी से टाइट कर लेते हैं। पहले बोल्ट को हाथ से टाइट कर लेते हैं प्याज से, उसके बाद में हम पानी की मदद से इसको अपने 14 नंबर के बोल्ट को कर लेते हैं फुल टाइट। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए कैसी लगी आपको बताना। तो ये हो चुका है हम दोस्तों हमारा फुल टाइट बोल्ट। इस पर हमने एंड अबाउंड लगाया था इसलिए ताकि हल्की फुल्की है लिकस नहीं मारे। तो ये ले लिया हमने टाइमिंग चेन स्प्लेंडर प्रो की। हम डाल लेते हैं टाइमिंग चेन। तो पहले डाल लेते हैं टाइमिंग चेन। तो ये रूल घुमा लेते हैं थोड़ा इस पर आगे के रूले पे, उसके बाद में इसको डाल लेते हैं टाइमिंग चेन। पेचकस लगा लें ताकि हमारी जो टाइमिंग चेन है आगे से निकले नहीं। उसके बाद हम लगा लेते हैं इसका छोटा वाला रूला जो ओरिजिनल हीरो का मिलता है 60 रुपये का ओनली। इसके बाद में डाल लेते हैं हम इसके अंदर ओरिजिनल सिलेंडर रोला जो कि 75 रुपीज़ का मिलता है ओनली। और इसको जो सिलेंडर के बीच में होल होता है उसके होल में ला करके उसका बोल्ट लगा देते हैं। तो ये लग गया हमारा बोल्ट भी और इसको 10 के बॉक्स पाने की मदद से कर लेते हैं टाइट। तो हो चुका है हमारा बोल्ट फुल टाइट। उसके बाद में हम हेड कर लेते हैं टॉप। टॉप की ये पहचान है जो हमारी कैम होती है बिल्कुल फ्री रहती है। और जो हमारी क्रैंक की टॉप है जहाँ पे मैग्नेट की यहाँ पर काटर लगती है वो बिल्कुल जो हमारे सिलेंडर रोले का बोल्ट होता है बिल्कुल उनके सामने रहना चाहिए ठीक। तो ऐसी अगली जो टाइमिंग चेन की जो टॉप प्लेट थोड़ी गलारी होती है उसको अभी हम आपको दिखाएंगे। जो ये गोल गोल ओ दिख रहा है ओ बिल्कुल आगे हेड के सामने रहना चाहिए और बिल्कुल सामने ले लेते हैं। और हमारी जो क्रैंक की टॉप है उसको देख लेते हैं। हमारी दोनों टाइमिंग हो गई है फिक्स। तो उसके बाद में हम लगा लेते हैं 8 नंबर के दोनों बॉल हाथ की मदद से टाइट कर लेते हैं। उसके बाद में हम अपने बॉस पाने की मदद से इसको कर लेते हैं फुल टाइट। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे बॉल फुल टाइट। उसको देख लेते हैं कंप्रेसर कितना आ रहा है गाड़ी के अंदर। बिल्कुल फिक्स आ रहा है, टाइमिंग भी एकदम मस्त है। तो उसको लगाते हैं, डिस्प्ले लगाते हैं उसके बाद में। तो दोस्तों, उसके उससे सबसे पहले इसमें बाल सील है, सॉरी बाल सील नहीं, मैग्नेट डिस्प्ले सील लगाना ज़रूरी होता है ताकि इसलिए लगाते हैं हम। यहाँ से थोड़ा ऑयल लीकेज नहीं करें, छोटे छोटे जहाँ पे स्क्रू टाइट होते हैं वहाँ पे इसको लगा लेते हैं हम छोटे वाले। उसके बाद में एनाबोंड की मदद से डिस्प्ले में बड़ी सील बिठा लेते हैं अपने हाथ की मदद से अच्छे से बिठा लें। और एनाबोंड ज़रूर लगाएं दोस्तों ताकि हमारी सील यहाँ से लीक नहीं हो। या हमने लगा लिया एनाबोंड और इसके ऑयल रिंग पे भी लगा लेते हैं हम अच्छे से एनाबोंड ताकि जो हमारी यहाँ लीकेज थोड़ी बहुत आए बिल्कुल नहीं हो और हमारी गाड़ी में ऑयल फिक्स रहे बराबर रहे। दोस्तों, कुछ गाड़ियों में तो मोबिल इसी वजह से कम हो जाता है ताकि वो सीलें ख़राब हो जाती हैं और मोबिल जहाँ तहाँ से निकलने लगता है इंजन के अंदर से। तो अपनी गाड़ी पे आप हमेशा सीलों पे ध्यान रखें, सीलें फिक्स रहेंगे तो गाड़ी का ऑयल फिक्स रहेगा। तो हम दोनों को इसको स्क्रू की मदद से कर लेते हैं, लगा लेते हैं दोनों स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर की मदद से कर लेते हैं टाइट। दोस्तों, अच्छे से कर लेते हैं हम इसको टाइट। तो ये दोस्तों हो चुका है हमारा फुल टाइट, कर लिया हमने टाइट। उसके बाद में हम लगा लेते हैं अपना सेल्फ स्प्लेंडर प्रो में। तो दोस्तों, ये स्प्लेंडर प्रो का इंजन है, इसके हम लगा लेते हैं पहले सेल्फ। सेल्फ के दोनों बोर्ड लगा लेते हैं 3 और 8 नंबर के। उसके बाद में हम सेल्फ की गलारी लगा लेते हैं जो हमारी क्रैंक शाफ्ट में लगती है और ऊपर भी लगा लेते हैं गलारी जो हमारी सेल्फ में लगती है। उसके बाद में हम लगाएंगे इसमें इसके पैड लगाएंगे जो सेल्फ की चेन चलती है उसके दोनों पैड लगा लेते हैं। पहले छोटा पैड लगा लेते हैं, उसके बाद में बड़ा पैड लगा लेते हैं, आराम से लग जाएंगे। उसके बाद में एक लॉक आता है इसका
जो हमारी सेल्फ की गलारी में लगता है ऊपर, उसको बिठा लेते हैं। उसके बाद में एक पत्ती आएगी और एक 8 नंबर का बोल्ट आएगा, उसको भी कर लेते हैं हम अच्छे से टाइट। पहले हाथ की मदद से कुछ घुमा लें उसको और अच्छे से चूड़ी चढ़ जाए, जो हाथ के बॉक्स पाने की मदद से कर लेते हैं फुल टाइट। तो ये हो गया हमारा फुल टाइट। अब आगे थी बारी इसके मैग्नेट की। मैग्नेट हम लगाएंगे बाद में, पहले लगाते हैं टाइमिंग चैन की प्लेट। तो उसका पैकिंग आप लगाते हुए आप लगाएं तो उसका अच्छे से पैकिंग का ध्यान रखें, पैकिंग फिक्स रहेगी, लीकेज नहीं मारेगी। तो उसके बाद में कर लिया हमने वो भी अच्छे से टाइट। लगा लेते हैं इसका सेल्फ बनवे और मैग्नेट बनवे। सेल्फ मैग्नेट हमारा पहले से रेडी है, तैयार है लगेगा। तो हम इसको 14 के पाने की मदद से कर लेते हैं टाइट। ये मैग्नेट रोकने के लिए पत्ती लगी होती है दोस्तों, ये इसलिए लगा रखी है ताकि हमारा बॉल 14 नंबर का टाइट करते हुए ये घूमे नहीं और पत्ती की मदद से रुका रहे। तो ये हो गया हमारा फुल टाइट, हमने लगा लिया है 14 नंबर का बोल्ट भी। कर लेते हैं इसकी अच्छे से सफाई। मैग्नेट में लगाते समय जो इसकी कोयल होती है उसको लगाते समय एक चीज़ पे ध्यान रखना, मैग्नेट के अंदर कुछ चिपका नहीं रह जाए, नहीं तो हमारी जो कोयल होगी उसको ख़राब कर देगा। और इसके मैग्नेट कवर जो लगाते हैं हम कोयल, उसके अंदर भी अच्छे से देख लें आप, ताकि कोई नट बोल्ट रहनी चाहिए, नहीं तो अपनी कोयल वेस्ट हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी और आपको लंबा नुकसान हो जाएगा। तो कर लगा लेते हैं इसको भी और सारे बोर्ड लगा लेते हैं इसके 8 नंबर। तो एक एक करके हम कर लेते हैं इसको टाइट। तो दोस्तों हो चुके हैं हमारे ये सारे बोर्ड टाइट। तो इसको लगा लेते हैं न्यूट्रल तार, जो हमारी गाड़ी के मीटर में एन होता है या हरी लाइट होती है बहुत जल्दी है, उसको लगा लेते हैं। ये लग गई है लाइट, लाइट का तार लग गया है, इसको भी कर लेते हैं अच्छे से फिक्स। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अब वीडियो कैसी लगी हमें बताना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना कैसी लगी। तो इसको लगा लेते हैं टेप ढक्कन भी। तो ये लग चुके हैं हमारे टेप ढक्कन। तो हमारे अकबर बाइक डॉक्टर चैनल में बन रहने के लिए शुक्रिया और कर देना वीडियो को लाइक। थैंक।